नागरिक कल्याण कॉलेज अहिरवारा दुर्ग के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर भुवनेश्वर नायक ने गुरुवार को फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। उनका शव कॉलेज के पुराने भवन के कमरे में पंखे से लटका मिला है। बताया जा रहा है कि भुवनेश्वर नायक कोविड से ठीक होने के बाद मानसिक रूप से परेशान हो गए थे। जानकारी के मुताबिक डॉक्टर भुवनेश्वर गुरुवार सुबह 8 बजे घर से कॉलोनी जाने के लिए निकले, इसके बाद कॉलेज के कमरे में उनका शव लटका मिला। कॉलेज के कर्मचारी जब वहां पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली, इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। करीब सप्ताह भर पहले यूनिवर्सिटी कुलपति के निरीक्षण के दौरान कई खामियां मिली थी। इस दौरान उन्होंने बताया भी था कि वह कॉलेज के प्राचार्य का भार संभाल नहीं पा रहे हैं। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग के कुलपति डॉक्टर अरुणा पलटा ने बताया कि समय समय पर कुलपति को कॉलेज का निरीक्षण करना पड़ता है। 22 अक्टूबर को उन्होंने नागरिक कल्याण कॉलेज सहित वैशाली नगर कॉलेज का भी निरीक्षण किया था। नागरिक कल्याण कॉलेज के निरीक्षण के दौरान छात्रों ने बताया था कि क्लासेज नहीं होती है। स्टाफ को कहना था कि प्राचार्य ने अभी तक कोई टाइम टेबल भी नहीं बनवाया है। निरीक्षण के दौरान डॉक्टर भुवनेश्वर कॉलेज में भी नहीं थे। कुलपति डॉक्टर उड़ा पलटा ने बताया कि निरीक्षण के बाद घर जाते समय उनकी मुलाकात डॉक्टर भुवनेश्वर नायक से हुई थी। उस समय उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं लग रही थी। कुलपति ने उन्हें निरीक्षण और शिकायत के बारे में बताया तो हर सवाल के जवाब में भुवनेश्वर ने मुझे माफ कर दीजिए मैडम ही बोल रहे थे। इसके बाद कहा कि वह कॉलेज के प्रचार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे। नागरिक कल्याण कॉलेज के बच्चों का दल कुलपति से शिकायत करने विश्वविद्यालय तक पहुंचा था। उन्होंने शिकायत की उनके कॉलेज में क्लास नहीं हो रही है, कहने के बाद भी टीचर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके बाद डॉक्टर कुलपति पलटा ने इसकी शिकायत उच्च शिक्षा विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सुनील तिवारी से भी की है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।